गावा सर थोड़ा सा व्यू और पॉलिश करके देना है अपन को। रंजना मैम पहला सवाल कौन सा? IRCTC के बारे में मेरे को जानना है। हाँ मैं स्प्लिट होने के पहले 925 में ली थी ये शेयर, स्प्लिट होने पच्चीस से शेयर पहले पहले। हाँ एक का 5 हुआ था है ना, हाँ तो हाँ मेरी एक्विजिशन कॉस्ट हो गई ओके 200 के नीचे की है ना इफेक्टिवली। हाँ, अब ये 25 शेयर अब इस समय पोर्टफोलियो में आपके पास हैं? 75 है अभी। 75 है अभी। हाँ ये एडजस्ट डायरेक्टर साहब वो मत दिखाइए भाव, क्योंकि इनकी खरीद तो फिर 200 के नीचे की हो गई। अच्छा तो आप 200 वाला स्टॉक 600 650 पे चल रहा है, क्या पूछूं हाँ बाबा सर अब से? हाँ मेरे को इसमें होल्ड करना चाहिए या मैं निकल जाऊं? ठीक बात गावा सर भाई, अच्छा लंबे समय से रखा हुआ स्टॉक था, बढ़िया जो अच्छा बीच में उछाल आया था उसका खूब मुनाफा बनाया मैंने, अब करना क्या है? सिटीज में फ्रेश व्यू क्या बन रहा है? अगर 200 के नीचे की खरीद वाला स्टॉक 600 650 पर आईसीटी से चल रहा है, लग रहा है दमखम होल्ड करूं या कुछ पार्सल बुक बुक कर लूं, क्या करना है? सबसे पहले अपने प्रॉफिट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, हाँ उसके बाद बाकी कुछ सोचेंगे। पहला है जो आएगा लेवल आएगा 560 का, एक लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोज मिलता है वीकली बेसिस पर तो आप तो एग्जिट कर ही लो, प्रॉफिट मुनाफा कर लेगा। तब तक होल्ड कर सकते हैं अगर करना चाहे। स्ट्रक्चर क्या लगता है टेक्निकली? टेक्निकली हमने हाई देखा 1200 के आसपास भी गया IRCTC से, फिर एक नीचे आया 575 के आसपास, 560 के आसपास एक सपोर्ट मिला है। जब तक तो वो होल्ड करता है सब तो ठीक है। अब इसमें अपमूव मिल सकता, हो सकता है ये 800 का जोन भी जाए, लेकिन इसमें अपमूव हो सकता है। 800 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, 800 और 900 के बीच में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो बुक करना है तो 800 और 1000 का ये जोन है, वहां प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉफिट को 560 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत बहुत जरूरी है, विदाउट थिंकिंग एग्जिट इफ इट ब्रेक्स। बहुत बढ़िया। आम तौर पे इस समय तक डायरेक्टर साहब मेरे कान में 25 बार बोल चुके होते हैं ब्रेक लेना है ब्रेक लेना है। गावा सर आते हैं सब सुनने में बिजी हो जाते हैं। गावा सर एक काम करते हैं, क्विक समय खत्म हो चुका है।